अभी तक हमने जाना पीएमवी के बारे में, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज को हम कहते हैं जीवाणु भोजी। भोजी का मतलब होता है भोजन करने वाला। तो क्यों कहते हैं हम इसको जीवाणु भोजी? इसका कारण यह है कि यह जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी की जो संरचना होती है वह इस तरह की होती है। इस तरह से हम खींचेंगे इसको, फिगर बनाना बड़ा टफ होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो आसानी से इसे समझा जा सकता है। इसको हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे और फिर इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से त्रिभुजाकार तरह से हम इसको खींच के मिला देंगे। तो यहाँ मिलाइए और इसको यहाँ, और फिर इसको ऐसे और इसको इस तरह से मिलाइए। ये जो है ये इसका हेड है, जीवाणु भोजी का यह हेड। हेड का मतलब सीट। और फिर यहाँ से हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके नीचे इस तरह से खींचते चले जाएंगे। ये टेल प्लेट है, इसे हम कहते हैं टेल प्लेट। और टेल प्लेट से इस तरह की संरचनाएं निकलती है जिसे हम टेल पिन कहते हैं। और अब इस तरह की संरचना होती है जिसे हम टेल फाइबर कहते हैं। टेल पिन की सहायता से बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल पर चिपक सकता है। हम इसका नेक, इसको नेक, इसको हम इसका नेक कहेंगे। ये है बैक्टीरियोफेज की संरचना। बैक्टीरियोफेज की संरचना, इसके बाद हम बैक्टीरियोफेज के बारे में जानेंगे अगले क्लास में।